नमस्कार मित्रों, बिहार देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, कल दीपावली थी, आज गोवर्धन पूजा है और कल फिर चित्रगुप्त पूजा है। पर इसी बीच बिहार की राजनीति में भी काफी सरगर्मियां चल रही हैं। आपको बताएं कि आज का दिन बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है कि आज एनडीए के घटक दल का बैठक होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। चुनाव परिणाम में 125 सीटें आई हैं एनडीए गठबंधन को, जिसमें 4 सीट वीआईपी की है और 4 सीट हम की भी है। भले ही ये छोटी पार्टियां हैं, कम सीटें हैं, पर इन पे भी बहुत बड़ी दावेदारी इस बार होने जा रही है। जो नई सरकार बनेगी उसमें कुछ अपडेट्स हैं अभी सुबह से अभी तक के, जो आपसे मैं साझा करूंगा। सबसे पहला अपडेट है कि राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री, भाजपा के बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटना पहुंच चुके हैं। इनके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, उनका भी पटना आगमन हो चुका है। आज एनडीए का बैठक होने जा रहा है और एक खबर आई है हमारे पास कि राजनाथ सिंह नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर उनसे मीटिंग कर सकते हैं। राजनाथ सिंह को भाजपा ने चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, यानी कि इनकी बड़ी भूमिका होने जा रही है इस बार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चुनाव में। अगला अपडेट जो है वो कामेश्वर चौपाल का है। जी हाँ, दलित चेहरा बिहार ही नहीं भारत की राजनीति में एक बड़ा चेहरा। कारण है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में जो पहला ईंट रखा गया था, उसका श्रेय जाता है कामेश्वर चौपाल को। पिछले दो दिनों से लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि कामेश्वर चौपाल ही बिहार के अगले डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके अनुसार, फिर से जो सुशील मोदी है, जो कि 15 साल से नीतीश कुमार के साथ साथ डेप्यूटी सीएम बने हुए हैं, वो फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी बहुत सेटिंग गेटिंग के नेता माने जाते हैं बिहार में। इस चुनाव को जितवाने में भी भाजपा उनको श्रेय जरूर दे रही है। और फिर से जो खबर आई है हमारे पास उसके अनुसार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं सुशील कुमार मोदी। हालांकि इस खबर की पुष्टि जैसे बिहार नहीं करता है, पर जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो मैंने आपको बताया। अगला अपडेट जो है वो ये है कि फिलहाल भाजपा के विधानमंडल का बैठक चल रहा है और 12:30 बजे से एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम, इनके जो चुने गए विधायक हैं वो पटना पहुंच चुके हैं और इनका बैठक होना है जिसमें विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री का चुनाव भी आज फाइनल हो जाएगा। अगला अपडेट आपको हम श्रेयसी सिंह का बताएंगे, जो पहली बार विधायक चुनी गई है, स्पोर्ट्स पर्सन रही है। बीजेपी कार्यालय जा रही थी तो मीडिया वालों से बात करते हुए इन्होंने साफ कहा कि जनता ने इन पर भरोसा जताया है और चूंकि वो क्रीड़ा क्षेत्र से हैं, खेल के क्षेत्र से हैं, तो बिहार में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाना इनका सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। इसके साथ ही साथ बिहार में बेरोजगारी के मामले पर भी खुलकर बोली है श्रेयसी सिंह। अगला अपडेट जो है वो जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम पार्टी जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इमामगंज से इस बार फिर से वो चुनाव जीते हैं। उनके पुत्र संतोष मांझी, जो भाजपा से ही नेता हैं, उन्हें बनाया जा सकता है बिहार सरकार में कैबिनेट में मंत्री। इसके साथ आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने भी ये बात स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो महागठबंधन नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा था और इसका बदला वो लेंगे। जी हां, उनको भी इस बार विधानमंडल में शामिल किया जाएगा और मंत्री का पद मुकेश सहनी का लगभग फिक्स हो गया है। अगला अपडेट जो है वो नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के बारे में आपको बताएं कि उन्होंने फिर ये बात स्पष्ट किया है कि किसी भी पार्टी पर उन्होंने दबाव नहीं दिया था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, बल्कि भाजपा के जितने भी नेता है, बूथ स्तर से लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी, सबके सब बार बार ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री पद पर सबसे प्रबल दावेदारी जो है वो नीतीश कुमार की ही है। 12:30 बजे से मीटिंग होने जा रही है एनडीए घटक दल का। तमाम अपडेट्स जो है हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, वो HSBR आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।